दक्कन क्षेत्र में मौजूद किलों ने भारतीय इतिहास में अहम भूमिका निभाई है। इन्हीं में प्रमुख है रायगढ़ किला। ये वो किला है जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज ने न सिर्फ मराठा स्वराज्य की आधारशिला रखी बल्कि वहां से अपना शासन भी कायम रखा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मौजूद रायगढ़ किला समुद्र तल से लगभग 2700 फीट की ऊंचाई पर है। महादरवाजा से लेकर टकमक टॉक तक यहां मौजूद हर इमारत उन सभी कहानियों को अपने दीवारों में जीवित रखती है जिन्होंने मराठी इतिहास में अपनी खास जगह बनाई। यहां तक पहुंचने के लिए करीब 1737 सीढ़ियां हैं। और दिलचस्प बात यह है कि चलने के अलावा ट्रैकिंग और एरियल ट्रामवे के जरिए यहां तक पहुंचा जा सकता है। इस विशाल किले से जुड़े कई पहलू हैं जिनके बारे में अधिकांश लोग आज भी नहीं जानते। आइए आपको इनके सफर पर ले चलते हैं। हालांकि रायगढ़ किले के निर्माण की तारीख अज्ञात है, कई इतिहासकारों का मानना है कि यह किला पहले मौर्य परिवार से ताल्लुक रखता था जो बीजापुर के आदिलशाही सल्तनत के सामंत थे। रायड़ी के नाम से जाना जाने वाला यह किला पहले इतना भी विशाल नहीं था जितना कि हम आज देखते हैं। हाल ही में हुए उत्खनन से हमें ये पता चलता है कि 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान ये यादव राजवंश के काल के दौरान भी मौजूद था। फिलहाल इस पर शोध जारी है। सन 1656 में जब रायडी छत्रपति शिवाजी महाराज के अंतर्गत आया तब उन्होंने इसको बढ़ाकर इसका नाम रायगढ़ रख दिया था। चूंकि किले का आकार विशाल था जहां पर मराठों तक शत्रु के पहुंचने के लिए रास्ता आसान नहीं था और ये समंदर से भी काफी नजदीक था, ये किला उनके शासन का गढ़ बना। सन 1660 के दशक के दौरान यहां कई घर, दफ्तर और बारूदखाने बनते चले गए। कहा जाता है कि इसमें करीब 300 घर और 2000 सैनिक तैनात थे। ये रायगढ़ किला ही था जहां पर 6 जून सन 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ था और जहां से मराठा स्वराज्य का भी उदय हुआ था। इसके अलावा ये उनके बेटों छत्रपति संभाजी और राजाराम प्रथम से जुड़े कई किस्सों का भी गवाह रहा। इसी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन सन 1680 में हुआ। मराठों और मुगलों के कड़े संघर्ष के बाद सन 1733 में रायगढ़ किला स्थायी रूप से मराठों के अंतर्गत आया, मगर 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों तक ये किला तीसरे आंगल मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ आया। लगभग 40 साल बाद सन 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों ने फिर से अपने खोए इलाके पाए तब इस किले पर भारी गोलाबारी की गई ताकि इसका फिर से किसी युद्ध के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। बाद में ये वीरान हो गया था। बहुत लोग नहीं जानते कि रायगढ़ किले को उसके वर्तमान रूप में लाने का श्रेय मशहूर स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक को जाता है। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों से होती है जब जेम्स डगलस की लिखी किताब अ बुक ऑफ बॉम्बे में किले की दयनीय स्थिति को देखते हुए तिलक और उनके साथियों ने इस पर काम करने का प्रण लिया था। इसके लिए तिलक ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जागरूकता फैलाई और इसके माध्यम से उन्होंने स्थानीय लोग और ब्रिटिश सरकार से वित्तीय सहायता लेने पर तवज्जो दी।
इसके लिए श्री शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल की स्थापना की गई थी, जिसमें तिलक मुख्य सचिव और दाजी आबाजी खरे अध्यक्ष थे। सन 1920 में तिलक के निधन के बाद भी ये संघर्ष जारी रहा और इसका अंजाम आखिरकार सन 1926 में देखा गया था, जब 19,043 रुपए के वित्तीय सहायता से किले को उसके वर्तमान रूप में लाया गया। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद रायगढ़ किला पर्यटकों और एडवेंचर के शौकीन लोगों के बीच एक लोकप्रिय स्थल के तौर पर उभरा। आजकल इसको मराठी सैन्य वास्तुकला के तहत 13 और किलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची पर लाने की मुहिम जारी है। इसकी सामरिक महत्वता के कारण कई राजनेता यहां जरूर आते हैं। रायगढ़ किला मराठा स्वराज्य की शान शौकत और सैन्य कुशलता का साक्षी है।